वेलकम बैक पीपल, स्वागत है आपका हिंदुस्तान मेरा .com पर। चलते हैं आज की लेटेस्ट खबर की तरफ। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत में आ चुके हैं, ऐसे में उनकी स्वागत की तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। डोनाल्ड ट्रंप अपनी भारत यात्रा को लेकर कितने ज्यादा उत्साहित हैं, इसका अंदाजा आप उनके पिछले कुछ ट्वीट से लगा सकते हैं। हालांकि आज हम आपको एक ऐसी खबर के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपको हैरान कर सकती है। आज हम आपको उस घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जब सालों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा की गाड़ी में बैठना पड़ गया था। ऐसे में सवाल ये है, क्या डोनाल्ड ट्रंप भी वही कर सकते हैं जो सालों पहले बराक ओबामा ने किया था? अगर ऐसा होता है तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से एक बार कैडिलैक वन पर बैठेंगे? अब बराक ओबामा वाली बात पर चलें, इससे पहले कुछ बातों को आपको समझाना बहुत जरूरी है। दरअसल अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान माना जाता है। ऐसे में उस राष्ट्रपति की सुरक्षा को देखते हुए कैडिलैक वन कार को बनाया गया है। यह कार देखने में जितनी आलीशान है उतनी ही खतरनाक भी है। अपने दुश्मनों के लिए यह कार चलती फिरती मौत है। इस कार को केवल अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए ही तैयार किया गया है। दुनिया के किसी भी बाजार में इस कार की बिक्री नहीं होती है, ऐसे में कोई चाहकर भी इस कार को नहीं खरीद सकता है। अमेरिका का राष्ट्रपति जिस कैडिलैक वन में चलता है उसकी पूरी जांच यूएस सीक्रेट सर्विस करती है। यह एजेंसी ही तय करती है कि इस कार में कौन सा फीचर होगा। दरअसल अमेरिका का राष्ट्रपति अपनी पसंद को यूएस सीक्रेट सर्विस को बताता है। इसके बाद यह एजेंसी उन सारी चीजों को कैसे कहां शामिल करना है यह कार बनाने वाली कंपनी को बता देती है। फिर इस कार की सुरक्षा व्यवस्था और मजबूती किसी टैंक के जैसी हो जाती है। कुछ सालों पहले जब तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा भारत आए थे तब उन्हें कैडिलैक वन के अलावा किसी दूसरी कार में बैठने की परमिशन नहीं मिली थी। बराक ओबामा की सुरक्षा देख रही एजेंसी की तरफ से दूसरी कार पर बैठने के प्रस्ताव को मना कर दिया था। फिर पीएम मोदी को भी बराक ओबामा के साथ ही उनकी कैडिलैक वन में बैठना पड़ा था। प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के बीच अब काफी गहरी दोस्ती हो गई है, इसका जिक्र दोनों ही नेताओं ने अलग अलग समय पर किया है। ऐसे में एक सवाल यह भी उठता है कि क्या ऐसा मौका आ सकता है जब ट्रंप को पीएम मोदी की गाड़ी में बैठने को कहा जाए। अगर ऐसा होता है तो क्या ट्रंप अपनी गाड़ी के अलावा किसी दूसरी कार में बैठेंगे या फिर ओबामा की तरह उन्हें कैडिलैक वन में ही बैठना पड़ेगा? तो पीपल्स, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और नोटिफिकेशन को सेलेक्ट ऑल कर लें ताकि लेटेस्ट न्यूज और उससे जुड़ी सारी हाइलाइट्स आपको लगातार मिलती रहे। धन्यवाद।